हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल सुधा फैमिली ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी आज सुबह के 7 बज रहे हैं। मैं नहा के पूजा कर लिए हैं। पूजा कर लो तो सबसे बड़ा काम ख़त्म हो जाता है। देखिए मेरे देव सो रहे हैं। इनका भाई ये थोड़ा सा देर में सोता भी है, अभी छोटा है तो इसको उठाया भी नहीं। अभी 7 बज रहे हैं तो इसको क्या उठाना। ओम तो उठ गए हैं सबके। हल्ला मेरी लाइट जल जाती है ना तो उसकी नींद खुल गई, वो नहीं सोए हैं। अभी चल रहे हैं किचन में, मेथी का पराठा बनाना है। मेथी काट के रखे हैं, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पकाते तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो रखे हैं। अभी नाश्ता मतलब चाय बिस्कुट नमकीन तो उन लोगों को दे दिए हैं, अभी अपना नहीं कुछ किए। पहले जाएंगे थायराइड की गोली लेंगे, फिर गर्म पानी पियेंगे, फिर कुछ करेंगे। मेथी का पराठा तो अभी हाल ही में बनाए थे तो उसकी रेसिपी क्या दिखाना, सिंपल होता है बिल्कुल। चलिए फिर चलते हैं किचन में। सबको नाश्ता करा दिया, नाश्ता लेके आए। चाय थोड़ा ज़्यादा है, नहीं सोचेगा। मुझे चाय नमकीन की कोई भी चीज़ें हो, पूड़ी हो, पराठा हो, आलू की पूड़ी है, चाय ज़्यादा ही पसंद। आज के पराठे में मेथी मामले की मेथी थोड़ी ज़्यादा थी आज, अच्छा मतलब था। उस दिन थोड़ा सा कम था, आज मेथी थोड़ा ज़्यादा ही था। ज़्यादा लाए थे, बोले थे कि थोड़ा ज़्यादा ले आइएगा, क्योंकि जब बनाओ तो लगता है कि पूरा हरा हरा ना दिखे। जब तक ये लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, आज बाल नहीं धुले, अभी बाल धुलना है, धुलेंगे। सुबह नहा लिए, आदत तो है नहीं इसलिए धुले नहीं कि कहीं जुकाम फिर से जखड़ ना जाए। थोड़ा बहुत ठीक हो रहा है तो अभी नाश्ता कर लें फिर जाएंगे बाल धुलने। अभी बाल धुल के आए, अभी जा रहे थोड़ी देर दाल चढ़ाए हैं, धीमे कर दे तो फिर जा रहे छत पे सुखवा लेंगे, नहीं तो फिर जूड़ा बना लो। किचन में काम करते रहो तो फिर सूखेगा भी नहीं। पोछा लगा लिए, गए वो लोग तब तक पोछा भी लगा लिए। बाल बहुत गंदा था, इस बार को ही धुले थे लेकिन सरसों तेल लगा लिए थे इस वजह से, और शुक्रवार को सरसों तेल लगा लिए थे तो 2 दिन रह गया तो गंदा जैसा लग रहा था। सरसों तेल से वैसे ही भारी हो जाता है। देखते हैं मेहंदी लगाना होगा तो लगाएंगे, अब केवल मेहंदी लगाएंगे, आंवला सीका कहीं नहीं लगाएंगे। अभी जा रहे हैं सब्जी बनाना है, दाल चढ़ा दिए फिर सब्जी। जब एक भी अपने मतलब जैसे रहो उसमें एक भी बाहरी आ जाए तो काम का थोड़ा सा उथल पुथल तो हो ही जाता है, क्योंकि अपने हिसाब से रहो। आज संडे है तो हम लोग काफ़ी लेजी लेजी टाइप का काम करते, 12-1 बजे से के बाद से फुर्तीले हो जाते हैं, कुछ कुछ एक्स्ट्रा काम दिखता है। उससे पहले तो आराम आराम से केवल उठ गए, कैसे भी ना आके फिर चाय नाश्ता, चाय ब्रेड कर लिए, वैसे रहता है। आज तो सुबह सुबह पराठा बना के खा भी लिए, सब लोग 9 बजे तक खा लिए, ये भी खा लिए, बच्चे भी खा लिए, उठ गए थे तो सब लोग खा लिए। ठंडी का यही है, पूरा स्किन ड्राई ड्राई हो जाता है थोड़ी देर भी अगर। अभी फेस तो नहीं धुले, केवल फेस पे पानी धुल के ऐसे पानी से धुले हैं, लेकिन फिर भी हल्का हल्का फील हो रहा है, जबकि लगा लिए मॉइस्चराइजर क्रीम लगाए थे सुबह ही। बाल की वजह से ठंडा पानी से धुलते हैं बाल, उससे नहीं धुलते, गर्म पानी से नहीं धुलते, रूसी हो जाता है काफ़ी बाल में। तो ठंडा पानी से धुल के छत पे चले जाएंगे तो तुरंत सर सूख जाएगा, मेन सर सूख जाएगा ना, तो लेंथ वाला गीला रहेगा तो खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लेंथ वाला ही जल्दी सूख जाता है, सर के बाल जल्दी नहीं सूखते हैं, लेंथ के बाल तो जल्दी सूख जाते हैं। चलिए फिर चले किचन में। किचन में क्या चले, पहले जा रहे हैं छत पे, 10-15 मिनट छत पे रहेंगे, फिर उसके बाद अब सब्जी काटेंगे। दाल चढ़ा दिए हैं, देखिए सीटी बोल रहा है, सीटी के बाद दाल चढ़ा दिए तो दाल हो जाए तो उसी कुकर में सब्जी बनाएंगे। सब्जी की तैयारी कर रहे थे, दो दो अलग अलग रखे हैं, क्योंकि एक दाल के लिए और एक सब्जी के लिए। एक ही में रख दो ना तो कभी कभी फ्राई करते समय दिमाग से उतर जाता है और पड़ जाता है, ऐसे दो दो रहेगा तो याद रहेगा। ओके, आलू बैंगन ले लिए हैं, मेथी है, अरे मेथी कह रहे सोया, आलू बैंगन सोया की सब्जी बनाएंगे। बस यही आलू बैंगन काटना है, बाकी सब कुछ काट लिए तब जा रहे छत पे। सोचे थे पहले जाएंगे छत पे, भैया ना किचन में घुस जाओ तो फिर
नहीं मौका मिलता, लगता है ये भी कर ले वो भी कर ले। सोया को धो के रखें, फिर लगा ये काट ले वो काट ले, दाल भी इतने में हो गया, दाल भी हटा के रख दिए। चलिए फिर चलते, अब छत पे चलते। दाल फ्राई बच्चों सब्जी में बना रहे हैं, अभी सोया बस नहीं डाल देंगे, डाल दी दोनों एक साथ ही हो जाएगा। फिर पापड़ भी निकाल दें, कढ़ाई में पहले पापड़ निकाल लें, फिर उसी में हो गया ये दाल का। बहुत ज़्यादा नहीं है मतलब मसाला, दाल पर प्लेन केवल टमाटर प्याज का लहसुन है थोड़ा सा अदरक है, यही डालिए। दाल फ्राई अभी थोड़ी देर पका देंगे, थोड़ा सा पतला है, थोड़ी देर पका देंगे, ये भी हो गया बस थोड़ा सा। चल थोड़ी देर साग को पका के फिर कुकर अभी बंद कर देंगे, जाके काम खत्म हुआ, खाना पीना हो गया, बर्तन भी धुल दिए। बर्तन बहुत ज़्यादा फैलाए नहीं थे जब काम होता जा रहा था धुलते थे, आजकल आपको ये डेली हमारे बेड पे देखता, वैसे वरना नहीं ये पूरा हम साफ़ रखते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं इस पे कोई भी सामान रहे, लेकिन सोने के लिए मच्छर सो तो ज़्यादातर पूरा बदन तो ढका रहता है, मुँह खुला रहता है, मुँह पे मच्छर काटता है, तो यहाँ से पकड़ के जब काटता है तो ये इसे मारने में मतलब वो रहता है, ईजी रहता है, यहीं से लेके मार दो फिर रख दो यहीं पे। अब काम ख़त्म हुआ, अब जा रहे थोड़ी देर आराम करेंगे, गई हैं एग्ज़ाम देने के लिए, फिर देखे उधर ही सुधर ही निकल जाएंगे, उनके पापा भी यहीं पे हैं तो इनके साथ जाएंगे जब छुट्टी होगी, तो उधर ही से निकल जाएंगे वो लोग। और अभी काम भी नहीं है, कोई भी काम नहीं है, अभी 2 बज रहा है, 2:05 हो रहा है, हाँ 2 बजे से एग्ज़ाम था तो थोड़ा सा पहले ही 1:30 बजे से निकली थी, चाहे थोड़ी देर लेटेंगे लगेंगे शाम के काम में, वही है कहाँ हम लोगों को फुर्सत है, थोड़ा सा फुर्सत मिल जाए वही बहुत ज़्यादा हो जाता है। चलिए फिर शाम को मिलते हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड, अभी आज सो के उठ गए, थोड़ा सा सोए थे, छोटू सा नींद आई थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं सोए थे, चाय चढ़ाए, अभी जा रहे हैं ये लोग लेने, चाय चढ़ा देखिए, बाल देखिए अभी सुबह से कंघी नहीं कर पाए, जुड़ा कर लिए थे तो फिर गीला गीला है अभी, पिन लगाए हैं कि थोड़ा सा सूख जाए तब कंघी करेंगे, गर्मा गर्म चाय के साथ बिस्किट, आप लोग भी आ जाइए, अपना अपना चाय यहाँ लेते हैं, ये नमकीन, ये वाली नमकीन मुझे बहुत अच्छी लगती है, ज़्यादातर इसमें हाफ हाफ मूंगफली ही है। शाम के जोत जला लिए, फिर बाल को भी अच्छे से सुलझा लिए थे, अभी गीला है यहाँ का, गीला है अब वो तो नहीं सूखेगा, अब छोड़ दिए हम कह जाने, तो चोटी कर लिए हो गया, उलझा रहता है तो काफ़ी उलझन होती है, उलझा रहता है तो उलझन होती है, और अभी फाइनली काम ख़त्म हो गया है, रात का भी कुछ खास नहीं करना है, सब्जी रखी हुई है, कोई और एक्स्ट्रा रहता है ना तो थोड़ा बहुत अधिक तो बन ही जाता है पूरा, अब ये भी डर रहता है ना कि अगले को तो नहीं कह सकते ना कि कम पड़ गया सब्जी, ये कुछ भी हो थोड़ा सा बढ़ा बढ़ा के ही रहता है, वो मेथी का पराठा भी 2-3 ठो वो भी रखा हुआ है, सब्जी रखी हुई है तो केवल रोटी बनाएंगे, तो अभी जा रहे हैं बाहर टहलने के लिए, अभी तो थोड़ा सा बाहर टहल लो तो मूड फ्रेश हो जाता है, नहीं तो फिर वही है, अभी अगर चले जाएंगे तो थोड़ी देर टहल लेंगे और सब लोग खाली रहते हैं, नहीं तो फिर सबका अपना अपना काम है, किसी के हस्बैंड आ रहे हैं, किसी के कुछ काम है, किसी का कुछ काम है, तो फिर ऐसे 2-4 औरतें मिल जाती हैं, थोड़ा बहुत बातचीत कर लो, थोड़ा सा टहल लो। अभी फ़ोन भी आया था तो हम कहे हाँ दूध आया है, दूध बॉयल कर ले दिया, जला ले, फिर आ रहे हैं, दूध भी रहता है यहाँ का दूध, पता नहीं सुबह का दूध दुआ हुआ दोपहर में देते हैं, कभी दोपहर में दूहते हैं तो शाम को देते हैं, इनके गाय भैंस का भी कोई ठिकाना नहीं रहता, जब इनकी मर्जी होती है तब दूध दूहते हैं, ऐसे तो गांव में रहता है सुबह शाम का रहता है, इनका 12 बजे दूहते हैं तो हम लोगों को 4 बजे ला के देते हैं,
तो आज तो लग रहा है पाँच बजे ला के दिए हैं, तो भाई दूध बॉयल कर लिए, इधर दिया भी दिखा दिए, ये चलते हैं बाहर थोड़ा देर टहले, फिर काम नहीं रहता है तो दिमाग बहुत शांत रहता है कि अभी कुछ खास करना नहीं है। चलिए फिर चलते हैं, अगर वीडियो का भी एंड करते हैं, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। कमेंट किया करें, बताया करें कैसा लगता है मेरा वीडियो। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।